लोहिया वाहिनी करे संवाद, फिर से हम लाएंगे समाजवाद। भाजपा सरकार केवल और केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। 2022 में जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। असेंबली चुनाव 2022 फतह करने को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। गुरुवार को सपा कार्यालय पर लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव लखनऊ के पार्षद शिव कुमार रावत टाइगर ने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। वह उन्हें 2022 में सपा सरकार बनाने का मंत्र भी दिया। टाइगर ने कहा कि भाजपा सरकार में हर इंसान परेशान है, चाहे वह किसान हो या व्यापारी। महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार हो गए हैं, अब भाजपा के पास जुमले बचे हैं। जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो नहीं करती है। उसने तो अपने चुनाव के दौरान किए गए घोषणा पत्र का भी मखौल बनाकर रख दिया। इस दौरान लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष मदन कनौजिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह यादव, कार्यालय प्रभारी जय सिंह यादव, शेखर यादव राम बाबू इकराम, शंकर यादव रामचंद्र, निर्मल कुमार, पंकज कुमार, आमिर सहित तमाम कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आज तो सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी का जो कार्यक्रम था कि लोहिया वाहिनी करे संवाद, फिर से हम लाएंगे समाजवाद। उस कार्यक्रम के तहत सीतापुर में आगमन हुआ हमारा सीतापुर जिला कार्यालय पर। लोहिया वाहिनी के सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठ कर के समीक्षा बैठक की है बूथवार, और इस बैठक का केवल और केवल उद्देश्य हम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के पदाधिकारियों का केवल और केवल ये है कि 2022 में हम नौजवानों ने संकल्प लिया है कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाना है। भाजपा सरकार केवल और केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। इसके तहत हमारी समाजवादी पार्टी विकास, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। उसमें प्रभारी शिव कुमार रावत जी, प्रदेश के जो लोहिया वाहिनी के सचिव हैं, वो आए थे। उन्होंने अपने संगठन की समीक्षा की, संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, कैसे ये 2022 के लिए तैयार किया। उन्होंने लोगों ने लोगों को गुरुमंत्र दिया, अपने नौजवान साथियों को, और 2022 में संकल्प दिया कि आप लोग आज संकल्प लेकर जाएंगे 2022 में जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और उसके साथ अल्पसंख्यक सभा के भी लोगों को मनोनयन पत्र देने का कार्यक्रम था, वो हमारे डॉक्टर शफीक साहब जो उसके अध्यक्ष हैं जिले के, वो अपने साथियों का मनोनयन पत्र वितरित करने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में 2014 में बनी थी सरकार, 14 से उसके बाद में 19 में बनी। उन एक घोषणा पत्र, हर पार्टी का एक घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र का उन लोगों ने कोई भी पालन नहीं किया, एक भी काम नहीं पूरा किया। जब इन्होंने केंद्र में सरकार बनाई थी उन्होंने कहा था बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे। नौकरी 2 करोड़ क्या, 2 लाख नहीं नौकरी दे पाए हैं देश में। आज उन्होंने नौकरियां लेने का काम किया, तमाम निजीकरण कर दिए, LIC निजीकरण कर दिया, रेलवे निजीकरण कर दिया, एयरपोर्ट को निजीकरण कर दिया। उत्तर महंगाई इस तरीके से बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज डीजल बिक रहा है 100 रुपये में और पेट्रोल बिक रहा है 110 रुपये में। आज गैस का सिलेंडर हम आप सबको ज़रूरत है, आज 25 रुपये फिर बढ़ा दिए, 150 रुपये में 950 रुपये का कर दिया सिलेंडर। ये हालात है। और गेहूँ, किसान का जो गेहूँ है सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है। 4 साल 4.5 साल इनको सरकार को हो गए, 5वां चल रहा है, कोई कभी भी इन्होंने किसी वर्ष गए गन्ने का एक नए का रेट नहीं बढ़ाया। आज हम किसान परेशान है, किसान का गेहूँ 15 रुपये किलो बिक रहा है। अब दोनों ने जो वादा किया था किसानों के, ये आज दोगुनी करने का काम ये कर रहे हैं कि किसानों के आज दोगुनी 5-15 रुपये किलो में गेहूँ बिक रहा है, ये दोगुनी आय हो गई। और जो रात दिन जानवरों से बचाता है, अब कैसे पैदा करता है ये तो किसान के जानता है, मैं भी किसान हूँ। लोहिया वाहिनी करे संवाद, फिर से हम लाएंगे समाजवाद। भाजपा सरकार केवल और केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। 2022 में जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।